हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच पर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष और आज की इस क्लास में हम जानेंगे कोरल ड्रॉ के फाइल मेनू के बारे में। डिटेल से समझेंगे, हर एक ऑप्शन को जानेंगे कि क्या काम होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं उन ऑप्शंस को कवर नहीं करूंगा जिन पे मैंने पहले से ही सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसलिए मैं उन ऑप्शंस को कवर नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको उन ऑप्शंस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि वहां से आप उन ऑप्शंस की डिटेल से नॉलेज ले सकें। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आपको मिल जाता है फाइल मेनू। फाइल मेनू में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है न्यू। न्यू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में एक न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आता है और यहाँ पे आप एक फाइल नेम दे सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है नेम। तो यहाँ पे मैं एक फाइल नेम दे देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया सैम्पल फाइल। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे होता है पेज नंबर कि आप कितने पेजेस अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। ये पेज नंबर हम चाहें तो बाद में भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जहाँ पे पहले से डिसाइडेड है कि आपको 10 पेज चाहिए 20 पेज चाहिए, तो फिर आप पहले से भी वो वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है उसका प्राइमरी कलर मोड क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास दो मोड दिए हुए हैं, CMYK और RGB। CMYK का इस्तेमाल आप करोगे जब आपको वो जो भी आप फाइल बना रहे हो उसको आपको प्रिंटिंग पर्पस से इस्तेमाल करना है, मीन्स आपको उसको प्रिंट कराना है ऑफसेट के ऊपर, तो फिर आप वहाँ पे CMYK मोड का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आप कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी डिज़ाइन बना रहे हो जिसको आपको प्रिंट में नहीं लेकर के जाना है बल्कि उसको आपको स्क्रीन पर देखना है, चाहे वो स्क्रीन आपके मोबाइल की हो या आपके सिस्टम की हो, मीन्स अगर आप कोई सोशल मीडिया के लिए कोई बैनर बना रहे हो, मीन्स अगर आप फेसबुक के लिए कोई बैनर बना रहे हो, आप लिंक्डइन के लिए कोई बैनर बना रहे हो, कोई भी अगर आप सोशल मीडिया बैनर बना रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो कलर मोड होगा वो आपको RGB ही रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके जो कलर्स हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगे। दोनों का पर्पज़ अलग अलग है। अगर आप CMYK की जगह RGB कर दोगे तो भी आपको कलर्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे बाद में। और अगर आपको प्रिंटिंग में अगर आप लेके जा रहे हो और वहाँ पे अगर आप RGB करोगे तो भी आपके जो कलर्स हैं वो प्रिंटिंग में अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि प्रिंटिंग में जो हमारे कलर्स यूज़ होते हैं वो सियान मेजेंटा येलो ब्लैक ही इस्तेमाल होता है। हमारी जो इंक होती है वो सियान मेजेंटा येलो ब्लैक से ही हमारे मल्टीपल कलर्स हमारे ऑफसेट पे प्रिंट होते हैं। तो फिर हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमको जो भी कलर मोड चूज करेंगे हमारा पर्पस भी वही होना चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डायमेंशन का। डायमेंशन में सबसे पहला हमको मिलता है पेज साइज कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका पेज साइज क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास बहुत सारे प्रीसेट्स दिए हुए हैं कोरल ड्रॉ ने, चाहें तो आप उन प्रीसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे A4 है, A5 है। तो अगर मैंने यहाँ से A4 ले लिया तो फिर हमको यहाँ पे ऑटोमेटिकली A4 का साइज़ यहाँ पे लिख करके आ जाएगा और उस डॉक्यूमेंट को हम ओके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई अपना साइज देना है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, उसके विड्थ और उसकी हाइट एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है यूनिट्स का ऑप्शन कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाने जा रहे हो उसकी यूनिट्स क्या होंगी। ठीक है, मीन्स अगर आप एक फ्लक्स बनाने जा रहे हो तो वहाँ पे आप फीट चूज़ कर लोगे, अगर आप कोई सोशल मीडिया बैनर बनाने जा रहे हो तो फिर आप उसको पिक्सल्स में ले लोगे, अगर आप कोई डिज़ाइन बनाने जा रहे हो प्रिंटिंग पर्पज़ से तो फिर आप उसको चाहो तो इंचेस में या सेंटीमीटर या मिलीमीटर में भी उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इजीली आप अपने क्या है यूनिट्स को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ से सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास उसका ऑटोमेटिकली विड्थ और हाइट सेंटीमीटर्स में लिख करके आ जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद देखिए हमको यहाँ मिलता है ओरिएंटेशन कि आपका पेज का ओरिएंटेशन क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। और लास्ट में हमको मिलता है रेजोल्यूशन कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका रेजोल्यूशन क्या होगा। डिफ़ॉल्ट हमारा रेजोल्यूशन 300 होता है और ये एक इनफ रेजोल्यूशन होता है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो आपका प्रिंटिंग पर्पज़ से हो या आपका सोशल मीडिया के पर्पज़ से हो।
ऑल राइट इतना करने के बाद हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको सैंपल फाइल नाम की आपको डॉक्यूमेंट मिल गई है जिसका यूनिट सेंटीमीटर्स में है और उसका साइज पेपर का A4 है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पर हम जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि कोरल हमको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स देता है, कुछ बनी बनाई डिज़ाइंस देता है, हम चाहें तो उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ डिज़ाइंस हमको यहाँ पर बनी बनाई मिली हुई हैं, तो आप चाहो तो इनको भी यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपके पास वो डिज़ाइन यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगी और आप अब इसमें कोई फर्दर चेंजेस करके अपना एक नया डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ मिलता है ओपन का। ओपन से हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी जो हमारी फाइल सेव है पहले से ही कोरल ड्रॉ की, उस फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मुझे यहाँ से कोई फाइल अगर ओपन करनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर वो फाइल हमारी पड़ी हुई है, लोकेशन ओपन कर लेंगे, अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारी फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। मैंने यहाँ पर ओके किया, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारी CDR फाइल या कोरल ड्रॉ की फाइल आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूं और मैं इसको भी यहां से क्लोज कर देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ओपन फ्रॉम कोरल क्लाउड। अगर आपने कोरल ड्रॉ के ऊपर कोई अपना अकाउंट बना रखा है तो आप चाहो तो वहाँ से भी अपनी फाइल को ला सकते हो। ठीक है, उस केस में क्या है कि आपके पास में कोरल ड्रॉ का अकाउंट होना चाहिए। मैं चूँकि मेरे पास यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मुझसे पूछ रहा है साइन इन करने के लिए कि आप अपना ईमेल दीजिए और पासवर्ड दीजिए, उसके बाद आप अपने कोरल ड्रॉ के क्लाउड अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे जो फाइलें पड़ी हुई हैं आप उनको चाहो तो यहाँ पे ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन रिसेंट के नाम से। रिसेंट फाइल क्या है कि अभी आपने जल्दी ही जिन फाइलों पर काम किया हुआ है उन सभी फाइलों को यहाँ पर शो कर रहा है और आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्लोज का है। क्लोज का काम होता है कि जो भी हमारा एक्टिव डॉक्यूमेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास दो डॉक्यूमेंट ओपन है, पहला है हमारा फाइल मेनू के नाम से, दूसरा हमारा है सैंपल फाइल के नाम से। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करूँगा तो जो भी मेरा एक्टिव डॉक्यूमेंट है जिस पर हम काम कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरी सैंपल फाइल नाम की जो मेरी फाइल ओपन थी वो क्लोज हो चुकी है। ऑल राइट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज ऑल के नाम से। क्लोज ऑल क्या करता है कि अगर हमारे पास में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन हैं, मींस अगर मैंने यहाँ पे कई सारी फाइलें ओपन कर रखी हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने मान लो इस फाइल को भी ओपन कर रखा है और मैंने इस फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ से, तो मेरे पास देखिए यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन मेरे पास हो गए हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट ओपन हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लोज ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, एक साथ मेरे सारे डॉक्यूमेंट बंद हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे बंद हो गए हैं एक साथ। ठीक है, ऑल राइट, तो कुछ इस तरीके से हम चाहें तो क्लोज ऑल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव का। सेव का काम होता है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उस पर जो भी काम किया है आप चाहो तो इसको सेव कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए अभी एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, हम चाहें तो इस फाइल को सेव कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हमें सेव पे क्लिक करना होगा और हमारी फाइल सेव हो जाएगी। अगर आपने पहले से ही अपनी फाइल सेव कर रखी है तो उस केस में अगर आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपसे फाइल नेम नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपने कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है जिसको आपने फाइल नेम नहीं दिया है उस केस में आपको वहां पे वो उसका फाइल नेम देना होगा, वो आपसे फाइल नेम भी पूछेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सेव एज़ का। सेव एज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी ओरिजिनल फाइल की कॉपी बनाने के लिए। मान लो मेरे पास यहाँ पे ये फाइल ओपन है फाइल मीनू के नाम से, ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, बट अगर मुझे इसकी एक और कॉपी बनानी हो किसी और पर्पस के लिए या किसी और वर्जन के लिए तो फिर हम सेव एज़ का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज़ का इस्तेमाल हम लोग कई बार ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमें अपने कोरल ड्रॉ को वर्जन को कम करके फाइल सेव करनी होती है। जैसे कि अभी मैं
यहाँ पे कोरल ड्रॉ का 2020 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। मान लो मुझे इस फाइल को सेव करना हो कोरल ड्रॉ 13 वर्जन में, कोरल ड्रॉ 14 वर्जन में, और वो फाइल मुझे किसी और को भेजनी हो अगर उनके पास में कोरल ड्रॉ 2020 वर्जन ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अपनी यहाँ से लोकेशन चूज करेंगे कि हमको फाइल कहाँ पे सेव करनी है। मैं यहाँ से डेस्कटॉप ले लेता हूँ। यहाँ से आपको देना होगा फाइल नेम, फाइल नेम आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो और चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है टाइप, तो मुझे इस फाइल को CDR में ही सेव करनी है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वर्ज़न, वर्ज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस फाइल को भेजना है किसी और को जिनके पास लेटेस्ट वर्ज़न नहीं है, या जो वर्ज़न आप इस्तेमाल कर रहे हो वो उनके पास नहीं है, उनके पास लोअर वर्ज़न है, तो फिर आपको उस फाइल को यहाँ से लोअर वर्ज़न में सेव करनी होगी। मैं यहाँ से कोरल ड्रॉ 13 चूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही अगर आप किसी फाइल को लोअर वर्ज़न में लेके जाओगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आएगा और आपसे यहाँ पूछेगा। सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है कीप अपीयरेंस। कीप अपीयरेंस का मतलब क्या है कि अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने लेटेस्ट वर्ज़न में लगा रखी होती हैं बट वो चीज़ें आपके लोअर वर्ज़न में सपोर्ट नहीं करती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जब भी आप उस फाइल को लोअर वर्ज़न में ओपन करोगे तो आप वहाँ पे उसको एडिट नहीं कर सकते हो, सिर्फ ओपन कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर लोगे कीप एडिटेबल, तो फिर क्या होगा कि आप इस फाइल को जो भी आप सेव कर रहे हो वो आप लोअर वर्ज़न में उसको ओपन भी कर सकते हो, और जो भी कॉम्पेटेबल आपके ऑप्शंस हैं जो कि वहाँ लोअर वर्जन में सपोर्ट करेंगे उनको वहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से इसमें से जो ऑप्शन आपके लिए यूज़फुल हो आप उसको देख सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके सेव करने के ऊपर कि आपको वो फाइल जो सेव कर रहे हो उसका पर्पज़ क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आप उस पर कोई चेंजेस करने वाले हो तो फिर आप एडिटेबल फॉर्मेट में सेव करोगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ उसको ओपन करके देखना रहेगा तो फिर आप अपीयरेंस पे क्लिक करोगे, ऑलराइट, और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दोगे तो वो फाइल आपका सेव हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है सेव टू कोरल क्लाउड। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि ओपन करने के लिए, वैसे ही सेम यहाँ पे सेव करने के लिए है। सेव टू कोरल क्लाउड का भी इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब आपके पास में कोरल का अकाउंट होगा, तभी आप जो है क्लाउड के ऊपर अपनी फाइल को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे केस में मेरे पास यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सेव एज टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होती है, कई बार हमें कुछ डिज़ाइंस ऐसी बनाते हैं जिनको हमको फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करना रहता है या अक्सर इस्तेमाल करना रहता है, तो हम क्या करते हैं एक स्ट्रक्चर बना करके सेव कर लेते हैं अपने टेम्पलेट में और उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी फाइल के अंदर। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है और इसको अगर मुझे टेम्पलेट में सेव करना हो तो सिंपली हमको यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा और हमसे पूछ रहा है यहाँ पे टेम्पलेट का नाम, ठीक है। और लोकेशन देखिए यहाँ पे उसने अपने आप ले ली है, यहाँ पे लोकेशन हमको नहीं बतानी पड़ी है टेम्पलेट के लिए, तो यहाँ पे उसने लोकेशन अपने आप ले ली है। यहाँ पे फाइल नेम हमसे पूछ रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी फाइल नेम दे सकते हो जिस फाइल नेम से आप अपना टेम्पलेट सेव करना चाहते हो। एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली है वो है इसका एक्सटेंशन। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CDRT, जिसका एक्सटेंशन क्या है, कोरल ड्रॉ टेम्पलेट, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कोरल ड्रॉ टेम्पलेट बनाने के लिए ही करते हैं, तो इसने यहाँ पे इसका एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ले लिया है, आपको चूज़ नहीं करना पड़ेगा इसका एक्सटेंशन। आप सिंपली यहाँ पे जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ बतानी होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ की, मीन्स उसका टाइटल क्या होना चाहिए। मान लो यहाँ पे दे दिया मैंने इसका टाइटल सैम्पल। यहाँ पे आपको बताना होगा उसकी कैटेगरी कि ये जो आप डिज़ाइन सेव कर रहे हो ये हमारी टेम्पलेट के किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरियाँ बनी हुई हैं, कोरल ड्रॉ आपको बना के देता है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ से न्यू कैटेगरी का भी आपको ऑप्शन मिलता है। आप चाहो तो खुद की भी एक कैटेगरी बना सकते हो और अपनी डिज़ाइंस को उसके अंदर सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक नई कैटेगरी ही बना लेता हूँ। मैंने यहाँ से नई न्यू कैटेगरी पर क्लिक किया और मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ माई न्यू
कैटेगरी वन, ठीक है। और मैं यहाँ से कर देता हूँ सेव पे क्लिक। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे वो जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे जो आपका फाइल है वो ओपन भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम जब भी चाहें तो इस टेम्पलेट को इम्पोर्ट कर सकते हैं। हमें सिंपली करना क्या है, हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। जैसे ही यहाँ पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कैटेगरी। कैटेगरी आप चाहो तो यहाँ से ऑल कैटेगरी चूज करोगे तो आपको यहाँ पे सारे ही सैंपल दिखाएगा, बट अगर आप सिर्फ अपनी कैटेगरी चूज करोगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने सेव कर रखा है सिर्फ आपको वही मिलेगा। आप सिंपली इस पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दो तो ये देखिए हमारा वो टेम्पलेट यहाँ से ओपन हो गया है और इसको हम जहाँ भी चाहें वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया है रिवर्ट के नाम से, जो कि अभी एक्टिवेट नहीं है। ये एक्टिवेट तब होता है जब आपने बहुत सारे काम कर रखे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस किए, मैंने वो बॉक्स वहाँ से उठा करके यहाँ पे शिफ्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और बॉक्स बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और बॉक्स बनाया, मीन्स मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए। अब चेंजेस करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे रिवर्ट पे क्लिक कर दूँ तो रिवर्ट क्या करता है, जो भी आपकी लास्ट सेव लोकेशन होती है, लास्ट सेव लोकेशन का मतलब मेरा ये है कि जहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया होता है और उसके बाद में आपने जो चेंजेस किए होते हैं, तो ये क्या करता है, आपको उस वापस से अपनी सेव वाले चेंजेस पे पहुँचा देता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे रिवर्ट पे क्लिक कर दूँ तो ये हमसे बता रहा है कि अगर आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दोगे तो आप वो सभी कुछ खो दोगे जो कि आपने सेव करने के बाद में काम किया है। तो अगर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँ तो ये देखिए मेरा लास्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव था और सेव करने के बाद मैंने जो भी चेंजेस किए थे वो सारे सारे चेंजेस मेरे हट चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रिवर्ट का इस्तेमाल करते हैं। रिवर्ट का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली तब करते हैं कि मान लो हमने कोई फाइल बनाई, उसको ओपन किया और हमने उस पर कोई भी पर्टिकुलर उस टाइम मैंने कुछ चेंजेस कर दिए बट हम नहीं चाहते कि वो सेव हो जाए, तो हम क्या करेंगे, रिवर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वापस से हम अपनी लास्ट सेव लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया गया है एक्वायर इमेज। एक्वायर इमेज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब हमें किसी दूसरे हार्डवेयर से अपनी किसी इमेज को यहाँ पे लाना होता है। हार्डवेयर का मेरा मतलब है स्कैनर या कैमरा। मीन्स अगर आपने अपने कंप्यूटर में कोई स्कैनर अटैच कर रखा है या आपने कोई कैमरा अटैच कर रखा है और आप चाहते हो कि वो स्कैन करके वो इमेज मैं वहाँ से ले आऊँ या फिर उस कैमरे की कोई इमेज मैं यहाँ पे ले आऊँ, तो फिर आप यहाँ पे एक्वायर इमेज का इस्तेमाल करोगे। एक्वायर इमेज में देखिए आपको यहां पे दो ऑप्शन मिलते हैं जो कि अभी यहां पे एक्टिवेट नहीं है, हाइड ऑप्शन है। पहला आपको मिलता है ट्वाइन सोर्स और दूसरा आपको मिलता है वाया सोर्स। ट्वाइन सोर्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब भी आप स्कैनर से कोई इमेज लेके आना चाहोगे तो फिर आपका यहाँ पे एक्टिवेट रहेगा। मीन्स मेरे पास अभी कोई स्कैनर नहीं अटैच है इसलिए ये यहाँ पे एक्टिवेट नहीं शो कर रहा है। अगर आपने कोई स्कैनर अटैच कर रखा है और वो ऑन है, उसका पावर ऑन है, तो फिर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा और आप अपना स्कैनर से कोई भी इमेज यहाँ पे स्कैन करके ला सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे वाया सोर्स के बारे में है। वाया सोर्स की हेल्प से आप अपने कोई भी कैमरे की फोटो को यहां पे ला सकते हो, लेकिन उससे उसके लिए आपको अपना जो कैमरा है वो अपने कंप्यूटर से अटैच करना पड़ेगा, तभी आपको ये यहां पर शो करेगा। और इसी में देखिए एक और ऑप्शन शो कर रहा है एक्वायर के नाम से। एक्वायर में क्या है कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपके पास चॉइस होती है कि आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहोगे, या आपके पास वहां पे कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, मल्टीपल हार्डवेयर के ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगर आपके पास और ज्यादा हार्डवेयर हैं तो आप वहां से भी चूज कर सकते हो कि आपको कहाँ से अपनी इमेज को स्कैन करके लाना है या कहाँ से अपनी इमेज को आपको इंपोर्ट करके लाना है या कहाँ से आपको अपने किस हार्डवेयर से आपको वो उस इमेज को लेकर के आना है। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक्वायर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन और दिए हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इन दोनों ही ऑप्शन को मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इन दोनों ऑप्शन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट फॉर के नाम से। एक्सपोर्ट फॉर का काम क्या होता है कि जब भी अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक इमेज रखा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई एक इमेज ले आया हूँ, ठीक है,
आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी काम किया हुआ है उसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है अपने वर्ल्ड में, या अगर आपको उसको एक्सपोर्ट या यूज़ करना है अपने वेब पर्पस के लिए, तो फिर आप उसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। आप जैसे ही यहाँ पे ऑफिस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो इमेज का साइज़ है वो काफ़ी कंप्रेस हो जाएगा, उसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाएगा और वो आप MS वर्ल्ड में उसको ओपन ईजिली कर सकते हो। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस। उसके बाद अगर यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें इसी के अंदर, तो आपको मिल जाता है वेब। वेब का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें अपनी फाइल को जिप फॉर्मेट में या PNG में या JPG में एक्सपोर्ट करना रहता है, ठीक है। बट यहां पे क्या मिलता है, अगर आप यहां से एक्सपोर्ट करते हो तो आपका फाइल का साइज काफी कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको काफी छोटे साइज की फाइल बनानी है, काफी कंप्रेस साइज की फाइल बनानी है, तो फिर आप इस एक्सपोर्ट फॉर का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपको काफी अच्छे या काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन की फाइल बनानी है तो फिर आप इस एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करोगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद हमको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है सेंड टू के नाम से। सेंड टू में क्या है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं कि अगर आपको इस फाइल को सेंड करना हो डॉक्यूमेंट में तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे और अपने सेव पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये जो आपकी फाइल है वो आपके माई डॉक्यूमेंट्स में एक्सपोर्ट हो जाएगी। देखिए मैं अगर मैं डॉक्यूमेंट में जाऊँ और मैं यहाँ पर चेक करूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये फाइल आपकी एक्सपोर्ट होकर के आ गई है, देखिए डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि मुझे अगर इसी फाइल का डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए मैं आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बन करके आ जाएगा आपकी फाइल का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बेसिक फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं जिनका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सेंड टू में। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है पब्लिश टू PDF। पब्लिश टू PDF के बारे में भी मैंने आपको बहुत डिटेल से समझा रखा है अपनी वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है प्रिंट मर्ज। प्रिंट मर्ज भी मैंने आपको बता रखा है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है प्रिंट नाम का ऑप्शन। प्रिंट से क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, मीन्स प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास में प्रिंटर अटैच होना चाहिए। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंट रेंज। प्रिंट रेंज में हमको बताना होता है करेंट डॉक्यूमेंट, मतलब अगर आपने यहाँ पे 10 पेज बना रखे हैं, 20 पेज बना रखे हैं, तो क्या करेगा, वो आपको सारे पेज प्रिंट कर देगा। बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे करंट पेज, तो करंट पेज में क्या करेगा, जिस पेज को आपने ओपन कर रखा है, मीन्स पेज नंबर 1 या पेज नंबर 2 या पेज नंबर 3, सिर्फ वो एक सिंगल पेज का प्रिंट आउट निकालेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन की। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने किसी अपने डॉक्यूमेंट में किसी पार्ट को सेलेक्ट कर रखा है, मान लो मैंने यहाँ पे सिर्फ इस इमेज को सेलेक्ट कर रखा है, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट पे जाऊँ और यहाँ बोल दूँ सिलेक्शन, तो अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूँ तो आपको देखिए सिर्फ इस इमेज को ही आपको प्रिंट निकालेगा, आपका बाकी एरिया का प्रिंट नहीं निकालेगा। लेकिन अगर मैं क्लिक करूँ करेंट पेज पे, तो आप देख पाएंगे कि वो आपका इमेज का प्रिंट भी निकालेगा और डॉक्यूमेंट में मेरे और भी जो डिज़ाइंस बनी हुई हैं वो उस पूरे का ही प्रिंट आउट निकालेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट, करंट पेज और सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्यूमेंट्स का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन है, मेरे पास यहाँ पे देखिए 3 डॉक्यूमेंट ओपन है, तो यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, तो हम चाहें तो एक ही बार में इन तीनों फाइलों का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या अगर हमें किसी 2 फाइल का प्रिंट आउट निकालना है तो हम उस पे से टिक हटा देंगे, तो फिर क्या करेगा कोरल ड्रॉ, केवल उन 2 फाइलों का प्रिंट आउट दे देगा, उनमें जितने पेजेस बने हैं उन सारे पेजेस का प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है नंबर ऑफ कॉपीज कि आपको हर पेज की कितनी कॉपी निकालनी है, तो यहाँ से आप कॉपी बता सकते हो कि आपको 2 कॉपी, 3 कॉपी या 4 कॉपी निकालनी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में क्या है कि आप प्रिंट आउट निकालने से पहले देख सकते हो कि आपको आपके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू कैसा दिख रहा है, ठीक है। मींस अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, मींस अगर आपको कोई बड़ा करना है, छोटा करना है, सेंटर करना है, टॉप से अलाइन करना है,
तो वो सारी चीज़ें आप यहीं पे परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं देखिए यहाँ पे इसको बॉटम कर देता हूँ तो ये बॉटम से प्रिंटआउट आपका निकाल करके देगा। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट कर दूंगा तो ये आपका थोड़ा सा लेफ़्ट में यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ अगर हमको ऐसे चेंजेस करने हैं एट द टाइम ऑफ प्रिंटआउट तो वो चेंजेस आप कर सकते हो। यहाँ पर आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो आपके एक्चुअल डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं होंगे, वो डॉक्यूमेंट आपका जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन दे रखा है कलेक्ट फॉर आउटपुट। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक डिटेल वीडियो दे रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और हमारा यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। ये क्या करता है, आपने जो भी आपका ओपन डॉक्यूमेंट है उसकी पूरी कुंडली निकाल के दे देता है। कुंडली का मतलब मेरा ये है कि उसके ऊपर जितना भी कुछ आपने काम किया हुआ है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखा रहा है। जैसे कि आपकी फ़ाइल का नाम क्या है, आपके ऑर्डर का नाम क्या है, ठीक है, कितने पेजेस बनाए हैं आपने, कितनी लेयर बनाई हैं, क्या रेजोल्यूशन है, क्या आपने कलर प्रोफाइल इस्तेमाल किया है, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स आपने इस्तेमाल किए हैं, कितने कर्व ऑब्जेक्ट्स आपने इस्तेमाल किए हैं, कितने रेक्टेंगल, मतलब हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में मिल जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाकर के बहुत डिटेल में चेक कर सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। और हमारे यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया गया है एग्ज़िट के नाम से। हम अगर एग्ज़िट पे क्लिक कर देंगे तो हम अपने इस पूरे ही सॉफ्टवेयर से बाहर निकल जाएंगे और मेरा कोरल ड्रॉ क्लोज हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का फाइल मेनू। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं पर डे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आता हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको मेरी पर डे की वीडियो की अपडेट मिलेगी। तो ये हमने आज अपना फाइल मेनू कंप्लीट किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम एडिट मेनू, देन व्यू मेनू, एक एक करके हम सारे मेनूज कवर करेंगे और डिटेल से समझेंगे कि हर एक मेनू का क्या काम होता है। तो फिर से मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन, गुड बाय।